हमारी शुरू हो चुकी है थरपारकर में, और पिछले 2 महीने से 3 हम काम कर रहे हैं, और थर में जो है वो पिछले 4 महीने से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि यार आप लोग कंटिन्यू काम करते हैं, आप लोग थकते नहीं हैं, आप ये बच्चों की हालत देखेंगे कैसे कोई थक सकता है। मैं भी काम करके थक जाता हूँ, लेकिन जब भी मैं इस जगह आता हूँ मुझे ये होता है कि यार अब ये बैठ कैसे सकते हैं, जब हमारे लोग इस तरह की हालत में मौजूद हों, हम कैसे अपने घरों में बैठ सकते हैं। हालत देखें, ये छोटे छोटे बच्चे वेट कर रहे हैं हमारा, ये हालत दिखाएं लोगों की, ये देखें इनकी हालत देखें यार, कैसे बैठ जाएं हम घरों के अंदर। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आके इन एरियाज का विजिट करें, आपके मुल्क के अंदर आप किस तरह से लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, आप आके देखें इन लोगों की हालत क्या, किस तरह से ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ना बिजली है, ना गैस है, ना राशन के लिए, ना जमीन में पानी नहीं है, किस तरह ये अपनी फसलें उगाएंगे। अपनी अपनी इस्तेदात के मुताबिक अपने हाथों से इन्हें सपोर्ट करें, इन लोगों के लिए कुछ करें, इन लोग आके देखें किस तरह से रहते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर।